हाउ टू विन एवरी वन वर्सेस वन कस्टम। इस वीडियो को देखने के बाद आप जब भी अपने दोस्त के साथ, किसी एनिमी के साथ, किसी के साथ भी वन वर्सेस वन करोगे फ्री फायर के अंदर, आपको कोई हरा ही नहीं सकता। नहीं, सच में नहीं हरा सकता। वीडियो को देखो, इतने खतरनाक खतरनाक टिप्स एंड ट्रिक बताया ना मैंने, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये मैंने बताया। उल्टी सीधी बातें क्यों करता हूँ, उल्टा पैदा हुआ था क्या, दिमाग खराब है तेरा? तो प्लीज एंड तक देखना वीडियो को और चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे टिप नंबर वन है गन सिलेक्शन। आपको यहाँ पे सामने वाले एनिमी को देख के अपने गन को सिलेक्ट करना है कि आप क्या चलाओगे। अगर सामने वाला एनिमी शॉर्ट गन चला रहा है तो आपको लॉन्ग रेंज का गन लेना है। अगर सामने वाला एनिमी लॉन्ग रेंज का वेपन चला रहा है तो आपको शॉर्ट गन लेना है। आपको एक दो राउंड के अंदर पता चल ही जाएगा कि वो क्या चला रहा है। और आप इस सिचुएशन में अगर आपके पास बहुत ज्यादा पैसे है तो आप शॉर्ट रेंज और मिड या फिर लॉन्ग रेंज का वेपन भी ले सकते हो। दो गन रहेंगे आपके पास। यहाँ पे आप जैसा एक क्लिप देख सकते हो, सामने वाला एनिमी शॉर्ट रेंज का वेपन यूज कर रहा है, इसलिए वो ग्लोवल लगा के मेरे पास आ रहा है। बट मैं उसका उल्टा कर रहा हूँ, मैं उससे दूर जा रहा हूँ, मैं उसको अपने पास आने ही नहीं दे रहा, तो वो शॉर्ट रेंज का फायर मेरे ऊपर करेगा कैसे? दूर से तो नहीं मार सकता ना। और मैंने उसको इजीली यहाँ पे लॉन्ग रेंज के वेपन से वन टैप मार दिया। तो आई होप आप इस चीज को समझ गए होंगे। अगर सामने वाले ने लॉन्ग रेंज का वेपन लिया है तो आपको उसके पास जाना है, क्योंकि वो लॉन्ग रेंज के वेपन से आपको पास में शॉर्ट रेंज में क्या ही मार लेगा। और उसने शॉर्ट रेंज का वेपन लिया है तो आपको लॉन्ग रेंज से मारना है, क्योंकि शॉर्ट रेंज के बंदूक से वो दूर में क्या फेंक के मारेगा क्या बंदूक को? नहीं ना। तो बस इस ट्रिक को यूज करो, ये भी बहुत सिचुएशन में आपको काम आने वाली है। बट जो टिप नंबर थ्री बताऊंगा मैं, उस टिप नंबर थ्री के अंदर और भी तीन अलग अलग टिप्स होंगी जो कि आपको किसी भी वन वर्सेस वन कस्टम के अंदर जीतने के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्प किया। आप समझ लो आप जीत ही जाओगे उस कस्टम को, आपने जीत ही लिया 7-0 से। तो टिप नंबर थ्री के तीन टिप्स को मिस बिल्कुल मत करना। अब बढ़ते हमारे टिप नंबर टू की ओर, रीड योर एनिमीज माइंडसेट। मुझे पता है हम एग्जाम में नहीं पढ़ते हम क्या एनिमी का माइंडसेट क्या घंटा पढ़ेंगे, बट फिर भी आपको यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अब वो क्या सोच रहा है ये हमें कैसे पता चलेगा? हमने कोई ह्यूमन साइकोलॉजी में कोई PhD तो कर नहीं रखी, लेकिन यहाँ पे हमारी मोको दी दिया जाती है। मोको हमें बताएगी कि वो क्या सोच रहा है। अब देखो, मैंने सामने वाले एनिमी को डैमेज दिया, उसके ऊपर आ गया मोको का एक दाग, एक साइन। अब अगर वो इस साइड में खड़ा है तो वो नॉर्मली यही सोच रहा होगा ना कि मैं इधर से रस करके आऊंगा और वो मुझे सीधा सीधा मार देगा। बस हमें यही जानना है कि वो क्या सोच रहा है, इस टाइम मैं उसके ऊपर किधर से रस करूंगा। तो हमें उसका उल्टा करना है, जो वो चाहता है हमें उसे वो नहीं देना है। एंड साथ ही साथ आपको अपने एनिमी को बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज करना है कि आप कहाँ हो, आपका एग्जैक्ट लोकेशन उसको ज्यादातर केसेस में नहीं पता चलना चाहिए। अगर आप वन टैप खेल रहे हो फिर बात अलग है, आपको खुले में निकल के मार देना है वन टैप। बट अगर आप थोड़ा दिमाग से खेलना चाहते हो तो आपको अपने लोकेशन को उसको एग्जैक्ट बताना नहीं। इसमें हमारी हेल्प करेगा हमारा सेंटिनो कैरेक्टर, जो कि खुद में ही एक जादूगर है। आप यहाँ खड़े हो जाओ और फिर घूम के चले जाओ, बंदा आपको उधर मार रहा होगा, फिर से इधर आके फिर से एनिमी को मार दो। तत्सुया कैरेक्टर भी एनिमी को सरप्राइज देने के लिए एक बहुत ही बेस्ट कैरेक्टर है। इसी प्रकार से आप नए नए स्ट्रेटजीज और अलग अलग कैरेक्टर्स के स्किल का यूज करके एनिमी को सरप्राइज या फिर कंफ्यूज करके मार सकते हो। एक और तरीका है, लेकिन उसके लिए आपको बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आपको अपने मूवमेंट स्पीड को बहुत ही ज्यादा इम्प्रूव करना पड़ेगा। जितना हो सके ग्लू वॉल्स लगाने हैं, जितना हो सके इधर से उधर से रन करना है। कहाँ से ग्लू वॉल लगाना है वो आपको भी ना पता चले और ना ही एनिमी को पता चले। आप हो कहाँ पे, कौन से ग्लू वॉल के पीछे हो, एनिमी को पता नहीं चलना चाहिए। और इसमें आपका हेल्प करेगा आपका मूवमेंट स्पीड। अगर आपको अपने मूवमेंट स्पीड को इंक्रीज करना है तो इसके भी टिप्स एंड ट्रिक मैंने बहुत पहले बहुत सारे बनाए हैं, आप उनको जाके देख सकते हो, या फिर आप कहो तो दोबारा से बना देंगे। तो अपने मूवमेंट स्पीड को भी आप इंक्रीज कर सकते हो एनिमी को कंफ्यूज करने के लिए। आप ऐसे अगर सिंपल खड़े रहोगे, निकल के मारोगे, वो भी मारेगा आप भी मारोगे, तो या तो वो जीतेगा या तो आप जीतोगे। बट हमें क्या चाहिए, हमें 7-0 चाहिए। तो आपको यहाँ पे अपने दिमाग का एडवांस लेवल वाला यूज करना पड़ेगा। आप समझ रहे हो ना? आप समझ रहे हो ना मेरी बातों को? समझ रहे हो ना? एनिमी का माइंड रीड करो, एनिमी जो सोच रहा है उसका उल्टा करो। अगर वो शॉर्ट रेंज में खेल रहा है तो आप लॉन्ग रेंज में खेलो, अगर वो लॉन्ग में खेल रहा है तो आप शॉर्ट में घुस जाओ। ग्लू बॉल्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करो, लगाओ, इधर उधर मूवमेंट करो। तो बस यही सारी चीजें होती है जिसकी मदद से आप किसी भी एनिमी को, चाहे 1v1 कस्टम खेल रहे हो या फिर रैंक मैच खेल रहे हो या फिर CS में आप 1v1 बचे हो, 1v3 बचे हो, 2 बचे हो, तो आप इन सब चीजों को यूज करके ना आप एक बहुत ही अच्छा गेम प्ले दिखा सकते हो, एनिमीज को क्लच कर सकते हो, मार सकते हो। और अब हम बढ़ते हमारे टिप नंबर 3 की ओर, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। बेसिकली इसके अंदर मैं आपको टिप नंबर 3 के अंदर तीन ऐसे टिप्स बताऊंगा जो कि आपको ऐसे सिचुएशंस में बचाएगी जहां पे आपका बचना नामुमकिन है। मतलब समझ लो सामने वाले एनिमी ने 6 राउंड जीत लिया और आप सिर्फ 4 राउंड जीते हो, बट आपको इस गेम को जीतना है किसी भी तरह, इज्जत का सवाल है। तो ये वाले ट्रिक्स बहुत ज्यादा काम आएगी। बट इसे देखने के बाद ये
मैं आपको डिस्क्लेमर ही दे देता हूँ। गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी लत लग सकती है, कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें। तो यहाँ पे हमारा टिप नंबर 3.1 है, डबल वेक्टर। जब भी आपको लगे कि आप गेम को हारने वाले हो, मतलब अब नहीं हो रहा आपसे, वो सामने वाला एनिमी बहुत ज्यादा प्रो है, कुछ नहीं करना, वॉल लेना है, अनलिमिटेड वॉल ऐसे भी है, डबल वेक्टर लेना है हाथों में, घुस जाना है एनिमी के ऊपर, बिल्कुल घुस जाना। और अगर ज्यादा पैसे तो M10 को बिल्कुल मैक्स कर लो और शॉर्ट में, उसको पता ही नहीं लगने तो आप क्या लेके आओ, वॉल लगा लगा के जाओ, उसके मुंह पे घुस के M10 के 6 गोली मार दो, 2 भी कनेक्ट हो गया ना तो बंदा खत्म हो जाएगा। बट कस्टम जीतने के बाद आप उसका स्क्रीनशॉट लेके अपने स्टेटस स्टोरी या फिर उसको टैग वैग कर सकते हो, बट उसके ग्रुप में मत जाना, और अगर गए तो फिर हेडफोन लगा लेना, इतनी गंदी गाली देगा ना वो, इतनी गंदी। बट फिर भी ठीक है यार, आप जीत जाओगे ना, आप कभी फ्यूचर में बोल सकते हो कि देख स्क्रीनशॉट देख, मैंने तेरे को 7-6 से मारा था। टिप नंबर 3.2, इसे मेरे को आपको करके दिखाना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल है और बहुत ही ज्यादा इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना पड़ेगा इसके लिए आपको, तो वो आप खुद देखो और बिल्कुल ध्यान से देखो। यहाँ पे लेंगे हम सबसे पहले शॉटगन, उसके बाद लेना है हमें एक बहुत ही खतरनाक स्प्रे वाला गन, P90 ले लेते हैं, UMP वगैरह आएगा तो आपको वो सब लेना है, और यहाँ पे वेस्ट लेके पूरा रेडी हो जाना है, ठीक है। और करना है अपने दोस्त को कॉल जिससे साथ आप वर्सेस कर रहे हो। भाई देखो ना क्या हुआ, तुम्हारा गेम चल रहा है क्या? मेरा तो चल रहा है, भाई यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, लास्ट राउंड में जाके 999+ हो गया। देखो मेरा कैरेक्टर कहीं दौड़ रहा होगा, उसको पकड़ के रखो, उसको कहीं पे पकड़ के रखो, मैं आ रहा हूँ रिकनेक्ट करके फोन से। यार पता नहीं क्यों होता है मेरे साथ, इस वाईफाई वाले को ना मैं कभी मार दूंगा, मैं सच में अगर मेरे को कहीं पे मिला ना तो मैं इसको मार दूंगा, मार दिया। ओके गाइस, फाइनली कर लिया हमने मैच को, बुआ बहुत ही बेहतरीन तरीके से, आपने जैसा कि देखा बहुत ही ज्यादा मजा आया भाई, ठीक है भाई, हाँ भाई बहुत ही मजा आया। एंड इसी तरीके से आप भी किसी भी मैच को बुआ कर सकते हो, बहुत ही बेस्ट तरीका है ये, आपको नहीं पता। तो ये था हमारे टिप नंबर 3.2, इसको आप अपने दोस्तों के ऊपर यूज कर सकते हो, जिसका आपके पास नंबर है उसको आप कॉल करके ऐसे बोल सकते हो और ये कर सकते हो अपने दोस्त के साथ। बट जैसे ही आप जीत जाओ ना उसको मार दो तो कॉल कट कर देना, वरना कॉल में भी आपको गाली पड़ने की बहुत ज्यादा संभावना है। और यहाँ पे हमारा आता है टिप नंबर 3.3, ग्रेनेड। इसके अंदर आपको कुछ नहीं लेना होता है, एक वॉल लेना होता है और एक ग्रेनेड, मतलब अनलिमिटेड है ना, तो यहाँ पे आपको वॉल और एक ग्रेनेड लेना होता है, और आपको कोई बंदूक अगर आप चाहो तो ले सकते हो। और आपको जाना है आगे, अपने आप को ग्लू वॉल से पैक कर लेना है, ग्रेनेड में टाइमर लगाना है और जिधर भी लगे कि एनिमी है उधर टाइमर लगा के फेंक देना है। और आप बीच बीच में ऐसे चारों तरफ भी फेंक सकते हो, कहीं भी एनिमी छुपा हो वो लग ही जाएगा उसको। और ये 60-70-80% तक ये सक्सेस रेट है इसके, मतलब ये लगता है एनिमी को और एनिमी मरता है और उसके बाद आप कस्टम जीतते हो। तो ये सारी ट्रिक भी बहुत ज्यादा काम आती है। आप मेरे को कमेंट में बता रहा कि इन 3 और पता नहीं 6-7-8 टिप्स दे दिए मैंने, इनमें से सबसे ज्यादा फायदेमंद आपको कौन सा लगा और आप आगे चल के क्या यूज करने वाले हो, किसमें बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने वाले हो, मुझे प्लीज कमेंट्स में जरूर से बताना। बाय बाय।